ऑनेस्टली इसके इंजन को किसी भी 125 किसी भी 150 सीसी की जो लोकल मोटर बाइक्स हैं कोई मैच नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। आप मुझे देख रहे हैं, एक मोटर बाइक कौन सी है मैं बता दूं कि ये GS 150 मॉडल 2019 और मॉडिफाइड। क्या क्या मॉडिफाई हुआ है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा इसमें, और साथ साथ फिर बातें भी होंगी कुछ। एंड में आपने मुझे बताना है कि ये मोटर बाइक किसकी, मेरी नहीं है, कल मैंने थोड़ी सी चलाई है, और जिसकी वजह से वाकई मैं कहता हूँ कि जी इसके जो इंजन की पावर है अनमैचेबल। बिल्कुल जी कंफर्म, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आखिर ऐसा जो ओनर उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, चलिए देखें। अच्छा, सबसे पहले तो व्यूअर्स अगर आप देखें ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये सुजुकी GS 150 है, मॉडल 2019 मैंने जैसे बताया, कलर तो आप देख रहे हैं, और ये यानी कि स्पेशल एडिशन नहीं है। स्पेशल एडिशन में क्या होता है कि इसमें एलॉय रिम और डिस्क ब्रेक्स आती हैं। तो देखते हैं जी कि क्या इसमें ओनर ने क्या किया हुआ है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसमें एलॉय रिम लगे हुए हैं, और एलॉय रिम ये 18 इंचेस का है, और ये आप देखें कि सादी मोटर बाइक को डिस्क ब्रेक लगाई हुई है, डबल पिस्टन कैलिपर। और ये देखिए कि टायर जो इसमें लगा हुआ है 3.0018, और कौन सा है ट्रैकर यानी पैंथर ट्रैकर का, और आप देखिए कि 5 स्पोक एलॉय रिम है। ये मैं आपको टायर की ट्रेड भी दिखा दूं, और इधर से भी आपको लुक दिखा दूंगे इसकी, 1 2 3 4 5 ये देखिए, और बड़ी टेक्निक से खैर ये फिट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि एक प्लेट लगी है, और उसके साथ ये डिस्क ब्रेक लगी है। और जी बैक पे देखते हैं, बैक का तो आई एम लविंग दिस टायर, अच्छा फैट टायर है। और क्या चीज़ इसमें स्पेशल है, 16 इंचेस का, 120 90 16, 16 का टायर है, और कौन सा है मैं आपको बताऊं जी, टिम्सन का, 100% रिकमेंडेड, यकीन करके मैंने इसको राइड किया, और मतलब क्या ग्रिप है ज़बरदस्त। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप देखें ना कि आगे 18 और पीछे 16, तो वो एक ये आप देखें कि चॉपर टाइप ये लुक दे रही है, यानी पीछे का वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा मज़ा कर रही है। बाकी इसमें आ जाए तो ड्रम ब्रेक्स ही हैं पीछे। अच्छा जी, शॉक्स इसके ओरिजिनल हैं। अब यहाँ पे कार्बन फाइबर वो अब ये क्या पेपर चढ़ाया हुआ, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी क्या, कैरियर तो इसका जेन्युइन ही है। अच्छा, सीट आई डोंट नो, मैं पूछूंगा इनके ओनर से, यानी मैं इसे बैठूँ तो मुझे तो कोई सख्त वगैरह नहीं लगी इसकी सीट बिल्कुल भी। बाकी इधर आ जाएं तो ये साइलेंसर आप देख रहे हैं, सुजुकी का जेन्युइन। इधर ये आप देखें कि हीट रैप लगाया हुआ है, और ये या तो मेरे ख्याल शौकिया लगाया हुआ है या क्या है, बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये अब ग्रिप्स भी इसकी आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं, और ये यहाँ पे चोक है, ये आ गया हॉर्न, आ गया इंडिकेटर्स, आ गए लाइट, आ गई ये अभी हम देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, ये हैज़र्ड है। अच्छा, इधर आ जाएं तो इंजन किल स्विच, और ये पार्किंग और फुल लाइट। अच्छा, उधर भी है इधर भी है, खैर वो हम देखेंगे कि क्या क्या है। बाकी जो मीटर्स आ रहे हैं वो इसके जेन्युइन ही हैं, 27,000 आप देखेंगे चली हुई है ये। और बाकी मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये आफ्टर मार्केट, और ये भी ओनर से मैं पूछूंगा कि किस मोटर बाइक का ये लगा है, रिजर्वायर जहाँ पे ब्रेक फ्लूड आप डालते हैं, और ये फिर इस पाइप के थ्रू आता है यहाँ पे। अच्छा, बाकी अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स तो इसके अपने ही हैं,
और आई डोंट नो कि अंदर बल्ब यही होता है। हाँ, इधर जो है इन्होंने हेलोजन बल्ब लगाया हुआ जो कि लाइट ज़बरदस्त थी। मैं आया तो मैंने ओनर से यही पूछा कि लाइट क्या स्टॉक तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं स्टॉक नहीं है, ये रिप्लेस की हुई है। ये देख लें जी, एक लुक दिखा दूँ एक दफ़ा फिर से आपको कि ये जो ये देखें लुक बड़ी फिट। यानी अगर इसको थोड़ा सा अगर कलर स्कीम पे काम किया जाए यहाँ पे तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। हाँ, एक चीज़ है कि वो साइड मिरर्स नहीं लगाए हुए, उसकी वजह से मुझे तो राइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी ये बार एंड वेट्स ये जेन्युइन ही है सुजुकी के। इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे क्या ऐसी चीज़ है? नहीं, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, इंजन वही अपना। अच्छा, अब मैं मतलब एक चीज़ बताऊँ कि वाकई जो ये इंजन है ना व्यूअर्स, मैं बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ कि आप इसका साइज़ देखें इंजन का, कोई मोटर बाइक 150 cc इसको मैच नहीं करती। बल्कि मैं खुल के आपको बता देता हूँ, होंडा इसको मैच नहीं करता बिल्कुल पावर में किसी भी लिहाज से। यानी पावर ही आपको चाहिए होती ना टूर पर मेन। अगर इंजन बहुत अच्छा है, अगर इंजन ही आपको जवाब दे जाए तो आपने क्या यानी कि क्या टूर करना है। बाकी इधर इसका पड़ता है ऑयल फिल्टर, यहाँ से आप ऑयल का लेवल वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, गुड थिंग है इसके सेल्फ स्टार्टर के साथ साथ इसमें किक भी दी हुई है। मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। और फिर जो अच्छी चीज़ कि इसमें है बटरफ्लाई कार्बोरेटर, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी आती है। और हाँ जी, 5-speed गियर ट्रांसमिशन और वही कन्वेंशनल सारे पाँचों के पाँचों आगे ही लगते हैं। बाकी मैं इस साइड से आपको दिखाऊं कि ये आप देखें कि फुटरेस्ट अलग से इसमें दिया हुआ है ना, यानी इसके साथ जो है स्विंग आर्म के साथ अटैच नहीं किया, उसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत कम है इसमें आती है, क्योंकि इसमें बैलेंसर नहीं है। लेकिन वो ऐसा तंग नहीं करती, मतलब आपको ये कि थ्रॉटल देने का मज़ा आता है अपना आप बताती है मोटर बाइक के हाँ जी मुझमें जान है। अच्छा, अब क्या करते हैं, चलें थोड़ा स्टार्ट भी कर देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किल स्विच भी है, अब ये भी मेरे ख्याल आफ्टर मार्केट वैसे तो होता है जीएस है, लेकिन वो शायद और टाइप का होता है। तो ये जहाँ मेरे ख्याल है डू नॉट किल है, वहाँ पे किल है हो रहा है। अब ये सेटिंग फिर बाद में देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह नहीं जी, मुझे जो इसके स्ट्रोक है ना, एक एक स्ट्रोक आपको यानी पता चलता है मोटर बाइक का। अच्छा, ठंडी है, मौसम ठंडा है। ये देखें जी, अच्छा RPM वगैरह की या तार उतरी है या क्या, और खैर चलिए वो तो एक अलग चीज़ है। इधर से आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। अच्छा, आई डोंट नो कि ये मड गार्ड इसका अपना है या कि नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छा वो लग रहा है मड गार्ड, यानी शॉर्ट सा है, बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। आई डोंट नो कि इसका, आपने बताना कि इसका जेन्युइन ये होता है या नहीं। और ये मड फ्लैप भी लगा हुआ है सुजुकी का, इधर खूबसूरत सा। अच्छा, ये आ गया इसका यूरो 2 का, इधर हॉर्न आ गया। बेसिकली जब आप राइड करते हैं ना तो बाइक मज़ा करती है, कि मतलब बाइक बताती है कि हाँ मैं कोई अच्छी मज़ेदार चीज़ हूँ, टॉर्की पावर वाली। एक चीज़ व्यूअर्स, मैं बड़ी आपको पते की बताऊं, आप ये नोट करें कि कोई अगर मोटो व्लॉगर है तो वो खुद क्या यूज़ कर रहा है। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है,
चाहे वैसे कहते रहें जी होंडा सीजी द बाप आ गया, होंडा सीजी को वक्ता डाल देगा जो अब आई है बाइक, नोट करें कि वो खुद क्या रखते हैं। हाँ यस, होंडा सीजी की पावर को अगर आप कहें कि कोई चीज़ पकड़ती है, ये मोटर बाइक है कन्फर्म्ड, पहले भी मैंने कहा था और मैं बिल्कुल अब भी कह रहा हूँ और बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि इसके जैसा इंजन, इसके जैसी जान मुझे अभी तक नहीं मिली। बड़ी बड़ी बाइक्स चलाई हैं, सीजी मैं ऑन करता हूँ, हाँ 125 cc में सीजी की जान को कोई नहीं पकड़ता और कंफर्ट ज़ीरो। YBZ दरमियाना पैकेज है, यानी पेक्वेरा भी ठीक है, कम्फर्ट तो बहुत ज़्यादा है YBZ की, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो 150 cc कैटेगरी में जान इतनी अच्छी किसी की नहीं। टूरिंग में स्टिल मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर आपने टूर्स करने तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये बाइक। अच्छा, अब ये है कि इसके आएंगे व्लॉग्स, इसके टूर्स भी मैं करूँगा। यस, ये साइड व्यू मिरर्स का तो मैं कुछ करूँगा, और जी फिर कहूँगा कि कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना कि बताइए कि मोटर बाइक किसकी है, और कमेंट्स में बताना फिर मैं आपको बता दूंगा किसकी है। और कुछ दिन मेरे पास ये है, इस पर टूर्स करूंगा और वीडियोस आती रहेंगी। और मैं यही कहूंगा कि आपने अगर पार्क मोटर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी लाता रहूं और इसका बिल्कुल निचोड़ आपके सामने मैं लाऊंगा। यानी इसके ओनर ने भी कहा था जी मांड के रखना, तो बस वो यानी सारा बताना आपने, तो मैं सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।